अपना लहसुन हम लोग हिमाचल प्रदेश से, मेरा एक चाचा वहाँ पर रहता था तो ला दिया था, तो मैंने उसी को लगा के यहाँ लोग तरफ पूरा जोर से पानी आ रहा है, ऐसा ही करता है। झारखंड का मौसम आजकल बहुत खराब चल रहा है, मैं यही सोच मेरे इस नया वीडियो में आप सभी को मेरे हृदय, मेरे दो किडनी, फेफड़ा से आप सभी को जोहार और स्वागत करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उठ चुके होंगे, मैं भी उठ गया हूँ आज सुबह सुबह बहुत जल्दी में, और इधर मुझे बकरी खोदने का ड्यूटी मिल गया है। मेरा बकरी सब यहाँ पर है अंदर, यहाँ पर हाय हाउ आर यू, कैसे हो, गुड नाइट, और इधर सब अंदर है, सब अंदर, अभी सबको खोलना पड़ेगा। और अभी मेरी माँ जा रही है ताज़ा ताज़ा सब्जी बनाने के लिए, ताज़ा ताज़ा साग तोड़ने। इसको क्या साग बोलते हैं? कच्ची साग। हाँ? कच्ची साग, कच्ची साग। कच्चू साग है? हाँ, कच्ची साग। ये वाला गंधारी साग है ना? ये वाला गंधारी साग है, ये वाला खीरा का पौधा है, और माँ जो अभी तोड़ी इस, यही वाला कच्चू साग है। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये वाला फूल है, ये वाला लहसुन का फूल है, ये वाला लहसुन हम लोग हिमाचल प्रदेश से, मेरा एक चाचा वहाँ पर रहता था तो ला दिया था, तो मैंने उसी को लगा के यहाँ पर देखा हूँ झारखंड में कैसा होता है। यहाँ पर ये फूल लगा है लहसुन वाला, इसमें बीजा होगा ना? मेरी माँ बोल रही है कि इसको फर्स्ट टाइम लगाया है, और फर्स्ट टाइम ऐसा लहसुन देख रहे हैं नहीं? अभी ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला है देहाती राहड़ दाल, इसको इसमें फ्राई करेंगे, उसके बाद में मेरी माँ क्या करवे माँ इधर हम लोग का खाना भी बन चुका है। यहाँ पर देखिए बड़ा वाला डेक्ची पे एक, हम लोग इतना लंबा परिवार है, कम से कम 6 आदमी है ना, इसीलिए इतना बड़ा वाला बना है। याद है बहुत स्पीड से चूल्हा जला थे, और का चढ़ावे माँ? गरम होएगा लगने। ये वाला को उतार लिए फ्राई करके, उसके बाद में इसमें पानी चढ़ाए हैं, इसमें अभी ये वाला राहड़ को मेरी माँ अभी उस सिलवट, वो वाला सिलवट में अभी पीसेगी उसमें अच्छा से। इधर इतना पिसा गया है और थोड़ा सा बचा है इसमें, ये पक गया, अभी हल्दी डाल रही है मेरी माँ इसमें, और एक बार उधर मेरा सब्जी बनता रहेगा, तब तक मैं आप लोगों को मैं अपना घर का कुछ कुछ दिखाता हूँ। चलिए देखिए, अभी जो आप देख पा रहे हैं मेरा छोटा भाई है, इसका नाम अनीस उराव है, कितना क्लास में पढ़ता है? 6th class। इधर देखिए, इधर ये वाला है लहसुन, लहसुन को ऐसे बांध बांध के रखा गया है, कहे कि ज्यादा ज्यादा दिन चलेगा इसीलिए। और ये वाला है प्याज, प्याज को भी ऐसे बांध के रखा गया है, और ये ज्यादा दिन चलेगा इसीलिए, ऐसे बांधने से बहुत बहुत ही ज्यादा दिन चलता है, टिकता भी है, नहीं तो ऐसे रखने से खराब हो जाता है। अरे यहाँ पर ये अंडा दे रही है, दे रही कि नहीं अंडा? हाँ गुड। अभी और एक चीज दिखाने वाला हूँ, ये वाला देखिए, ये वाला है कद्दू, कद्दू इसमें दाना उना नहीं है, फल नहीं है, ये बस छिलका है, ऊपर वाला जो चमड़ा बोलते हैं ना वो वाला है। और देखिए कितना बड़ा है ये वाला, रे बाप रे बाप, इतना बड़ा है। मेरा माय फर्स्ट ब्लॉग में जब डाला था ना तो इसी को डाला था, यही वाला थंबनेल था, तो आप लोग देखिएगा मेरा माय फर्स्ट ब्लॉग तो पता चल जाएगा कितना बड़ा था। अभी इसको मैंने काट के इस पर रख दिया है, और इसका दाना को मेरा बाबा ने सुखाने के लिए रखा है, तो किसी किसी को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, मेरे आसपास में जो जो मुझे देखते हैं वो सबको। तो और कुछ दिखाता हूँ, अभी मेरा भाई तैयार हो गया स्कूल जाने के लिए, ये वाला भाई का ड्रेस है, ऊपर वाला ऐसा वाला शर्ट, और नीचे हरा पैंट, और चप्पल पहन के जाएगा, जूता 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 पहन के जाएगा। और पुराना वाला ड्रेस कहाँ है? हाँ और ये वाला पुराना वाला है, ये वाला शर्ट, और ये वाला पुराना वाला पैंट, ये वाला है देखिए यही वाला है, और ये वाला पैसा भेज दिया था वो उससे खरीदा है ना इसको, हाँ ठीक है। और हम लोग के यहाँ पर एक खांधी पूरा केला है, देखिए ये एकदम इतना 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 केला है। अभी इसको पकाने के लिए इसको सुतरी वाला बोरा से ढके हैं, और ऊपर कुछ मेरा बाबा दिया है पकाने के लिए, पता नहीं क्या दिया है, मुझे तो उतना नहीं आता है, इसको अच्छा से ढक देता हूँ, कहे कि गर्मी से पकेगा ना, तब ढक दिया, देखिए पूरा एकदम। मेरा भाई अभी स्कूल जा रहा है, बाय बाय। अभी दूसरा सब्जी बनने की तैयारी हो रहा है, ये वाला बॉयल हो चुका है, और मेरे में अभी सरसों, सरसों है ही ना, सरसों को फ्राई कर रही है वहाँ पर,
हल्दी, मिर्चा, अरे प्याज, ये वाला भी साग डला रहा है यहाँ, देखिए। अभी ये वाला आखिरी नमक स्वाद अनुसार जा रहा है यहाँ पर। अभी हम लोग तरफ पूरा जोर से पानी आ रहा है, ऐसा ही करता है। झारखंड का मौसम आजकल बहुत खराब चल रहा है, मैं यही सोच के दुकान नहीं खोल रहा, डर लग जाता है भाई लोग, क्या कि मेरा सामान उमान सब बच जाता है ना डेली, जब जब दुकान खोलता हूँ तब तक एक डेढ़ किलो चना बच ही जाता है, तो यही मुझे डर लग जाता है। एक डेढ़ किलो मतलब 100-150 रुपया बहुत ज़्यादा है मेरे लिए भाई लोग, तो यही सोच के मैं अपना दुकान नहीं खोलता हूँ। और मैंने अपना नाश्ता पानी सब कर लिया, और अभी सोच रहा था कि नहाऊँगा, लेकिन अब पानी आ गया, अब पानी छूटेगा उसके बाद मैं ही नहाऊँगा।